वीडियो देखा है जहाँ में सीनियर लीडर, बहुत सीनियर लीडर जिसको मैंने हमेशा कॉम्प्लीमेंट किया है, वो बोल रहा है कि ग्रेटर तिपरलैंड एक सपना है जो कभी अचीव नहीं होगा। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, लेकिन जब इतना बड़ा सीनियर लीडर ऐसा क्वेश्चन करता है तो मुझे महसूस होता है कि 70 साल बाद भी हम लोग आज इस परिस्थिति में क्यों हैं, क्योंकि हमने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया कि हम कुछ कर सकते हैं। हमेशा अपने ऊपर डाउट किया, कभी नहीं कहा कि हाँ ये अच्छा डिमांड है, हम लोग सब एक हो जाए तो पॉसिबल है। और इसी के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया किया किया, इसके लिए आज हम लोग फाइनल लास्ट फाइट में पहुंच चुके हैं। अगर इस बार भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया और एक दूसरे से लड़े तो आने वाला जनरेशन ना तिपरासा के बारे जानेगा ना तिपरासा को याद करेगा। मैं उस सीनियर लीडर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मेरे ग्रेटर तिपरलैंड को अपोज करते हो, आपका आवाज कहाँ था जब 2018 में IPFT ने 11 सीट बीजेपी को दिया और सिर्फ 9 सीट में लड़ा? आज तिपरा मोथा 30 का 30 सीट लड़ने के लिए तैयार है, वो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उस समय प्रॉब्लम नहीं था जब आपने सिर्फ 9 सीट्स में 2018 में लड़ा। आपका ग्रेटर तिपरलैंड से प्रॉब्लम है, लेकिन आप क्यों नहीं पूछते हैं अपने पार्टी से कि 3 साल में असेंबली में एक बार भी आपने तिपरालैंड का डिमांड क्यों नहीं उठाया? आपको प्रॉब्लम है कि हमने ग्रेटर तिपरालैंड क्यों उठाया ADC काउंसिल सेशन में, लेकिन 3 साल में आपका कोई MLA ने ये सब क्वेश्चन नहीं किया, क्यों? आप उसको क्यों नहीं पूछते हो? आपको प्रॉब्लम है मेरे ग्रेटर तिपरालैंड से। आपका आवाज़ कहाँ था जब CAA पास हुआ था? आपका प्रॉब्लम है मेरे ग्रेटर तिपरालैंड से। आपका आवाज़ कहाँ था जब माधव बारी में अपने तिपरासा को मारा गया? आपको प्रॉब्लम है मेरे ग्रेटर तिपरालैंड से। आपने क्यों नहीं हमारे ब्रू के बारे बात किया जो 23 साल से इतने खराब कंडीशन में थे? आपको मेरा ग्रेटर तिपरालैंड से प्रॉब्लम है। आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया जब 2021 में तिपरा मोथा को डिच करके आप ही के पार्टी ने बीजेपी के संग फ्रेंडली फाइट और अलायंस किया? क्योंकि आपको ये करियर पॉलिटिक्स करना है, और मैं अपने तिपरा साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर हम एक होकर फाइट करें। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है? हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं है। इसके लिए आज तक किसी ने नेशनल पार्टी से नहीं कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है दिल्ली में, लेकिन जिस दिन हमारा ही तिपरासा हमारा ही डिमांड को हल्का करता है तो हंसते कोई और है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तिपरालैंड के खिलाफ हूं, तो आपको मेरे ग्रेटर तिपरालैंड से क्या प्रॉब्लम है? आप ही के लीडर NC देवबर्मा ने एक दिन पूछा था, बोला था कि कमान मांगोगे तो बंदूक मिलेगा। आज मैं ग्रेटर तिपरालैंड मांग रहा हूं, लेकिन मैं तिपरालैंड को सपोर्ट भी कर रहा हूं। आज मेरा ग्रेटर तिपरालैंड में जो एक भी तिपरासा जो अपने EDC से बाहर है उसको मैं नहीं छोड़कर आगे जाना चाहता हूं। अगर आपको आपत्ति है तो आपको आपत्ति इसके लिए भी होना चाहिए कि आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया। इलेक्शन के टाइम कॉम्प्रोमाइज किया, सीट के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, असेंबली में कॉम्प्रोमाइज किया, और आज भी आप मुझे कमजोर करके अपने तिपरासा का जो लास्ट फाइट है उसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, सोचो।